समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव आज इटावा पहुंचे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल बिछाकर उनका स्वागत किया और शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाए। राष्ट्रीय महासचिव का पद मिलने के बाद शिवपाल पहली बार इटावा पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सपा का मिशन 2024 लोकसभा चुनाव में सत्ता में आना है। हमारा मिशन है 2024 में सत्ता में। बजट के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि मध्यम वर्गीय हो, किसान हो, नौजवान और महिलाओं के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। नौजवानों से लेकर के महिलाओं से लेकर के किसी और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बजट में कुछ भी नहीं रखा गया, केवल छलावा है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाना चाहती है। मुद्दे जो भटकाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। अब हम आपसे बैठ के जब बुला कर जी बैठ के बात करेंगे इन पर जी। केवल देखिए भारतीय जनता पार्टी भटकाना चाह रही है प्रदेश की जनता। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सपा और भाजपा के बीच रामचरितमानस विवाद को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए भाजपा लंबे समय से जुटी है और मोदी शाह के अनुयायी में भाजपा हर वोट बैंक पर अपनी नजर रखे है, जिसके तहत पिछड़े वर्ग के वोट बैंक में सपा की पकड़ को खत्म करने की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अखिलेश यादव भाजपा की इस योजना को बहुत अच्छे से समझते हैं। यादव और मुस्लिम बहुमूल्य सीटों पर मुलायम सिंह यादव की तर्ज पर यादव समाज को अपने साथ जोड़ने में जुटे हुए हैं। दरअसल यूपी में 9% से अधिक आबादी वाला ये वोट बैंक प्रदेश की 24 लोकसभा और करीब 125 विधानसभा सीटों पर निर्णायक है, इसीलिए हर राजनीतिक दल यहाँ पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। रामचरितमानस पर विवाद के सहारे पिछड़े वर्ग पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश सभी पार्टियां कर रही हैं। इस खबर में इतना ही। आपकी खबर भारत एक सोच पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।